गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 के प्रथम अध्याय में मानव में स्वसंतन के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो जो भी आपके मानव के स्वसंतन अंत होते हैं उसमें स्वास्थ्य जिसको तंत्र भी कहते हैं वह एक जोड़ा होता है जो बाह्य नाश का द्वार से बाहर वायुमंडल की ओर खुलती है। इसमें जो आपके वायु होता है जो वायुमंडल से आप लेते हैं कैसे हम लेने के उपरांत वह अंदर की तरफ आता है। अंदर की तरफ आने के उपरांत कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जिसके कारण पुनः आप उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इसमें ये चित्र के माध्यम से हम बताना चाहते हैं ये मनुष्य का श्वसन तंत्र है। इसमें श्वास नाशिका द्वार होता है जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है वह उसकी संख्या आपके दो होता है। ये वायु जब हम अंदर की तरफ लेते हैं तो अंदर की तरफ लेने की उपरांत वह जैसे ही वायु अंदर की तरफ जाता है तो वहां पर एक ऐसी व्यवस्था होता है और जो भी आपके बेकार पदार्थ होते हैं क्योंकि वहां पर कुछ लसलसा पदार्थ होता है और वायु को ठंडा करने की व्यवस्था होता है तो वहां क्या होते हैं वह जो कण होते हैं जो आपके बेकार कण होते हैं वायु के साथ वह वहीं पर चिपक जाते हैं। आपके बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार उस वायु को हम अंदर की तरफ जब लेते हैं तो सबसे पहले उस वायु को यहीं पर क्या करते हैं उसको बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार उसको चेंज करते हैं और चेंज करने के उपरांत वायु आपकी ग्रसनी तक पहुंच जाती है और ग्रसनी में पहुंचने के उपरांत वह कंठ तक पहुंचती है और कंठ के द्वारा आपके श्वास नली होता है। कंठ से होते हुए ये श्वास नली की सहायता से हमारे फेफड़ों में ये पहुंच जाता है आपके वायु। फेफड़ों की संख्या आपके मनुष्य में वह दो पाए जाती हैं जिसमें आपका दाया फेफड़ा और आपके बाया फेफड़ा होता है। इसमें जो फेफड़े होते हैं फेफड़ों में आपके मुख श्वसनी भाग होते हैं और उसी में आपके सहायक श्वसनी भाग भी वह फैले होते हैं वह जाल की तरफ से। इसमें जैसे ही यह वायु फेफड़े के अंदर आती है तो फेफड़े के अंदर आने के उपरांत यहां पर देखिए इसमें मुख आपके बाह्य श्वसनी अंग है फिर से यहां पर मुख दाह्य श्वसनी अंग है इसमें आपके सहायक व जाल की तरह से आपकी श्वसनी भाग ये पाए जाते हैं। फेफड़ों के नीचे से एक लचीला आपके डायफ्राम होता है। जैसे ही वायु आपके फेफड़े के अंदर आते हैं यहां पर दोनों फेफड़ों में मिलाकर लगभग 30 करोड़ आपके कोशिकाएं पाई जाती हैं जो फेफड़ों के दोनों परतों में झिल्ली नुमा परतों में तथा उनके बीच में एक तरल पदार्थ होता है
और तरल पदार्थ होने के कारण ये फेफड़ों में रगड़ नहीं होता है, घर्षण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। जब हमारा ये वायु कोश में जैसे ही वायु आता है तो कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं होने के कारण जो आपके वायु होते हैं वायुवाद डायफ्राम के दबाव के कारण ये वायु कोश जो होता है उस पर भी दबाव पड़ता है, जिसके कारण ऑक्सीजन के बदले में वह कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकाला जाता है। तो ये आपकी पूरी प्रक्रिया आपके श्वसन तंत्र के अंतर्गत आती है। परिसंचरण के विषय में हम आपको बताएंगे, तो जो परिसंचरण होता है एक ऐसी जैव प्रक्रिया है जिसमें शरीर के एक भाग द्वारा अवशोषित अथवा संश्लेषित पदार्थ का स्थानांतरण दूसरे भाग तक होता है, उसे परिसंचरण कहते हैं। मानव में परिसंचरण के विषय में सर्वप्रथम विलियम हार्वे ने बताया था। इसके कुछ मुख्य अवयव निम्न हैं। तो पहले हम रुधिर के विषय में देखेंगे, तो जो भी आपके रुधिर होता है यह एक तरल संयोजी पदार्थ है जिसका रंग लाल चिपचिपा नमकीन युक्त और पारदर्शी हल्का क्षारीय द्रव है। जो भी आपके ब्लड होते हैं वह लाल रंग के होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा पाई जाती है, पाए जाने के कारण इसका जो रंग भी होता है वह भी लाल होता है। शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग की लगभग 7-8% होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में शरीर के भार के अनुसार लगभग 5 से 5.5 लीटर तक रक्त होता है। यह शरीर का लगभग 7-8% भाग घेरा रहता है। तो जो भी आपके रुधिर होते हैं, रुधिर के दो घटक होते हैं, पहला होता है आपके प्लाज्मा, दूसरा होता है आपके रक्त कणिकाएं। तो जो आपके प्लाज्मा होते हैं वह आपके हल्के पीले रंग का एक तरल द्रव है। शरीर का लगभग 55-7% भाग होता है। इसमें 90-92% जल की मात्रा होती है और 8-10% तक कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा होता है आपके रक्त कणिकाएं। जो आपके रक्त कणिकाएं होती हैं वह लगभग 40-50% भाग होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है आपके आरबीसी, दूसरा आपके डब्ल्यूबीसी और तीसरा आपके प्लेटलेट होते हैं। इसको मैं विस्तृत भी बताऊंगा। उसके पहले जो आपके रुधिर वर्ग है ब्लड को कितने ग्रुप में बांटा गया है उसके विषय में आपके कार्ल लैंड स्टीनर के अनुसार रुधिर को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें रुधिर वर्ग जो होता है ए बी और ओ 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं जिसमें एंटीजन और एंटीबॉडी जो होता है
वह एंटीजन एंटीबॉडी एक प्रकार के आपके प्रोटीन ही होता है। तो जो आपके रुधिर पाक होता है ए, इसमें जो एंटीजन होता है वो कैपिटल ए होता है, जो एंटीबॉडीज होता है वो कैपिटल आपके बी होता है। रुधिर पाक बी में आपके एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी स्मॉल ए होता है। रुधिर पाक ए बी में ए बी ये दोनों आपके एंटीजन होते हैं, लेकिन एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाए जाते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ, इसमें कोई भी आपके एंटीजन नहीं होता है, एंटीबॉडी ए और आपके बी दोनों होते हैं, इसीलिए ब्लड ग्रुप ए बी सर्वग्राही होता है, सबका ब्लड ले सकता है। और ब्लड ग्रुप ओ जो सर्वदाता होता है, सबको ब्लड दे सकते हैं। हम रुधिर के घटक के विषय में बताएंगे। जो रुधिर होता है, रुधिर आप देखते हैं कि वह आपके अपारदर्शी उष्णकटिबंधीय युक्त आपके पदार्थ होता है, वह अपारदर्शी होता है। इसके दो घटक होते हैं, पहला होता है आपके प्लाज्मा। जैसे देखते हैं कि कहीं कट्टा है तो थोड़ा से पतला कुछ पानी की जगह के तरह के दांत निकलते हैं, वही आपके प्लाज्मा होता है। यह हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ द्रव है। रुधिर का लगभग ये 55 से 60% भाग होता है, जिसमें 90 से 92% जल और 8 से 10% कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा होता है कि रुधिर कणिकाएं, यह रुधिर का लगभग 45 से 60% भाग होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपके लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कॉर्पल्स, यह लाल चपटी गोल तथा दोनों ओ बीच में कुछ दबी हुई होती है, इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। इनका जो जीवन काल होता है, वह जीवन काल लगभग ये 100 से 120 दिन तक होता है। ये आप इसी में, क्योंकि इसका रंग आपके लाल होते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। दूसरा होता है आपके डब्ल्यूबीसी, या आपके अनियमित आकार के होते हैं, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं और या ये आपके रंगहीन होते हैं, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा नहीं पाई जाती है। इनका जो जीवन काल होता है वह 10 से आपके 13 दिन तक होता है। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि जो भी बाहर से कीटाणु जब शरीर में पहुंचते हैं तो उसको भक्षण करने का कार्य आपके डब्ल्यूबीसी के द्वारा ही होता है। आपके रुधिर प्लेटलेट्स, जो आपके रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं, वह केवल मनुष्य के ब्लड में ही पाए जाते हैं और ये जो श्वेत कणिकाएं होती हैं, उनकी संख्या के लगभग 40,000 गुना अधिक ये आपके रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। इनका जो जीवन काल होता है वह 1 सप्ताह तक होता है। ये ब्लड को थक्का बनाने का कार्य करते हैं। उसके बाद होता है आपके रुधिर के कार्य, यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन का कार्य करता है। दूसरा, ये जो शरीर होता है, शरीर के ताप के नियंत्रण का कार्य ये आपके ब्लड के द्वारा ही करता है। जो आपके रुधिर प्लेटलेट्स होते हैं, वह प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का बनाने का कार्य करते हैं और शरीर में
जल के संतुलन बढ़ाने का कार्य भी आपके ब्लड के द्वारा होता है। थैंक यू।